देखिए कैसे गहलोत सरकार की पुलिस अलवर शहर विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसा रही है। पुलिस ने पहले विधायक पर डंडे बरसाए, जब उनके बचाव में बीजेपी कार्यकर्ता आगे आए तो पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा। दरअसल बुधवार को गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश प्रदर्शन चल रहा था। संजय शर्मा अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड कूदकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई, इसके बाद वो एक कोने में जा गिरे। मामला बिगड़ते देख जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। विधायक के पिटाई के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम नेता कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। विधायक संजय शर्मा गहलोत की पुलिस पर सवाल उठाने लगे। पहले धक्का मुक्की हमारे साथ वहाँ तरी इनिशियल स्टेज पे लाठी चार्ज किया, वहाँ से हम पिटते कुटते पेड़ के नीचे आके बैठा। मैंने देखा कि अश्विनी यादव जी इंडिया प्रेस के पत्रकार हैं, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चलाई। मैं तुरंत बीच में आया, उनको बचाने का प्रयास किया तो पुलिस ने मेरे ऊपर लाठी चलाई। अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे मीडिया हो, उनको कुछ लो और गहलोत के खिलाफ कुछ मत बोलो। और मैं घोषणा कर रहा हूँ, जब तक ये कर्मचारी पुलिस वाले माफी नहीं मांगेंगे या जोशी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, मैं नहीं उठूंगा धरने। ये अपनी लाठी चार्ज की जो कर रहे थे अत्याचार, उसकी कवरेज रोकने के लिए मीडिया के साथ भी इन्हें अभद्रता, हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि आम जनता ये समाचार नहीं पहुँचे कि अशोक गहलोत हर हालत में निरंकुश ताने रहे हाथों में लाठी, उसको बचाने के लिए पूर्णतः पुलिस का उपयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पुलिस के लाठी चार्ज के बाद विधायक की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक करवाना पड़ा। फिलहाल विधायक का राजीव गांधी हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को जन आक्रोश प्रदर्शन के दौरान सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन मंत्री भजन लाल शर्मा, सांसद बालकनाथ योगी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, शहर विधायक संजय शर्मा और विधायक मंजीत चौधरी सहित कई बीजेपी नेता कंपनी गार्डन पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे यहां सभा चली, इसके बाद ज्ञापन सौंपने के लिए रैली निकालकर बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभा स्थल से 2 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पर सभी बीजेपी नेता करीब 3:30 बजे पहुंचे। यहां भीड़ को देखते हुए पहले से ही 3-लेयर बैरिकेड लगाकर पुलिस डटी हुई थी। पुलिस की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। इसी दौरान कलेक्ट्रेट में जाने की बात को लेकर बीजेपी नेता पुलिस अधिकारियों से उलझ गए और बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगे। विधायक संजय शर्मा भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और कूदने की कोशिश करने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। गहमा गहमी के बीच पुलिस ने संजय शर्मा को धक्का दे दिया, इसके बाद वो कोने में जा गिरे। इसके बाद भी जब कार्यकर्ता शांत नहीं हुए तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कई लाठियां विधायक को भी पड़ी। हालांकि 2 कार्यकर्ता विधायक को बचाने के लिए उनके आगे खड़े हो गए। जब शहर विधायक पर लाठियां पड़ने लगी तो बैरिकेड तोड़कर कुछ कार्यकर्ता उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने फोर्स के जवानों को भी बताया था कि ये शहर के विधायक हैं, इन्हें तो छोड़ दीजिए। दूसरे जवानों ने उनके बचाव में आए कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां बरसा दी। विधायक पर लाठी चार्ज की जानकारी जैसे ही दूसरे कार्यकर्ताओं को लगी, मामला गर्मा गया। विधायक संजय शर्मा के साथ अलवर के सांसद बालकनाथ योगी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम नेता धरने पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री के साथ अन्य नेता कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। शाम करीब 4:30 बजे धरना खत्म हुआ, लेकिन बीजेपी नेता अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि पुलिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कार्यकर्ताओं का विरोध यूं ही जारी रहेगा। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।